अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे हैंडबैग आइडियाज़, बहुत ही खूबसूरत, जिनमें आप देखेंगे ज़्यादातर स्ट्रा बीच हैंडल, यानी कि जो हैंडल हैं वो स्ट्रा से बने हुए होते हैं। कुछ बैग आपको फैब्रिक के मिलेंगे, कुछ स्ट्रा के, मुख्तलिफ स्टाइल के हैंड बैग होंगे। आपको जो अच्छे लगे आप देख कर बना सकती हैं या मार्केट से बने बनाए भी ले सकती हैं। किसी में लेसिस पैचेस के फ्लावर कटिंग होकर लगे हुए हैं, किसी में मुख्तलिफ बीड्स और मुख्तलिफ स्टाइल की चीज़ें, जिनसे बैग बहुत खूबसूरत बन जाता है। अगर आप चाहती हैं इस तरह से हैंड बैग खूबसूरत करना, तो आप इस तरह के फ्लावर कुरेशिये से भी बनाकर लगा सकती हैं। एम्ब्रॉयडरी कर फैब्रिक या ऑर्गेन्जा या नेट पर कटिंग कर भी लगा सकती हैं। इस तरह से आप बहुत ही प्यारे प्यारे इस टाइप के हैंडबैग बना सकती हैं, जिन्हें हम टोकरी टाइप के बैग भी कहते हैं। मार्केट जाते हुए अक्सर गर्ल्स लेडीज इस तरह के ले जाना पसंद करती हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इस तरह की फैशनेबल गर्ल्स को इस टाइप के हैंडबैग ज़्यादा पसंद होते हैं, जिन्हें वो मोबाइल पाउच के तौर पे भी यूज़ करती हैं और मुख्तलिफ अपने मेकअप के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इस तरह के हैंडबैग जो कि राउंड शेप में होते हैं, ये तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप किसी भी टाइप के फंक्शन में जाएं या कहीं भी आप जाएं, अपना सामान रखना चाहती हैं अपना घरेलू, तो इस तरह के बैग्स में रख सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा और ख़ूबसूरत ये हैंडबैग होते हैं। अब देख सकती हैं ये बैग कितना खूबसूरत है, टोकरी टाइप का हैंडल, बास्केट कह सकती हैं आप इसे। मुझे भी ये बैग बहुत प्यारा लगा है और मुख्तलिफ स्टाइल के बैग मुझे भी लेना पसंद है, लेकिन मैं डेकोरेट करना पसंद करती हूँ। अगर मुझे कोई सिंपल बैग मिल भी जाता है, तो मैं इस तरह से कोई भी उसमें डिज़ाइनर चीज़ें लगा लेती हूँ। कोई खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक हो, उसे कटिंग कर उसके खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर गिलूगन से लगा लेती हूँ, या नीडल की मदद से, या कोई भी फ्लावर रिबन से बनाएं, या वूल से बनाएं, या किसी भी टाइप से, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। चाहे तो आप पर्ल का फ्लावर बनाकर लगा लें, या किसी स्टोन जो आजकल प्यारे प्यारे मार्केट में आए हुए हैं वो भी लगा सकती हैं, अगर आप फैंसी लुक देना चाहती हैं। तो अगर आपको हैंडबैग अच्छे लगे और मेरा आइडिया, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए राय ज़रूर दिया करें। आपको किस टॉपिक की वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है, और मेरे साथ प्लीज़ दुआ के लिए आमीन ज़रूर कहिएगा। अल्लाह ए रहमान और रहीम, ए गफूर और करीम, मेरे मालिक, पूरी दुनिया के बादशाह, सारी कायनात को बनाने वाले मेरे रब, पूरी दुनिया के हर इंसान को, हर उम्मत मुसलमा को, हर मौजी मरज से, हर तकलीफ, हर परेशानी से बचा ले, आमीन। अल्लाह हमसे हमेशा 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 के लिए राज़ी हो जा, आमीन सुम्मा आमीन।